अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 7 ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अल्कली मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया, और आज के लेक्चर में हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी अल्कली मेटल्स के बारे में, सॉरी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहें या ग्रुप 2 एलिमेंट्स कहें, ठीक है ना। इसके मेंबर्स की अगर हम बात करें, कौन कौन सा मेंबर होता है इसके अंदर, वी नो इट कंप्राइजेस ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिट्रॉनशियम, बेरियम एंड रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिट्रॉनशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है ना। इन एलिमेंट्स का एक और नाम भी है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक, क्यों कहते हैं इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स? रीजन ये है कि नंबर वन, इनके कंपा ये मेटल जो है, इन मेटल्स को हम अर्थ क्रस्ट से आइसोलेट करते हैं, ठीक है ना। और इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स जो होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक, जैसे हमने कहा था अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स को, बिकॉज उनको जब वाटर में डाला जाता है, दे प्रोड्यूस अल्कलाइन सॉल्यूशंस और बेसिक सॉल्यूशंस। सिमिलरली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो ये अर्थ क्रस्ट से आइसोलेट किए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। नंबर सेकंड थिंग इज दैट इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर अल्कलाइन इन नेचर, ठीक है ना। इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी से पहले, कई साल पहले, कैल्शियम, सिट्रॉनशियम और बेरियम जो है, इनके ऑक्साइड्स प्रेजेंट, ऑक्साइड्स नोन थे, ठीक है ना। एलिमेंट्स नोन नहीं थे, बल्कि इनके ऑक्साइड्स नोन थे, एंड दे वर फाउंड टू बी बेसिक इन नेचर। बिकॉज ऑफ द बेसिक नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है ना। इसीलिए हम इनको क्या नाम देते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक, सो इफ यू हैव टू डिफाइन ग्रुप 2 एलिमेंट्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वी से दीज मेटल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिकॉज दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट एंड देयर ऑक्साइड्स दे आर अल्कलाइन इन नेचर। बात समझ रहे हैं आप? ठीक, एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम। बेरिलियम जो होता है, इसके बगैर जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, लेकिन बेरिलियम के ऑक्साइड्स दे आर एम्फोटेरिक, दे आर एम्फोटेरिक। आपने सुनी होगी ये टर्म इससे पहले, एम्फोटेरिक किनको कहते हैं? यस, एम्फोटेरिक हम बोलते हैं उन सब्सटेंसेस को विच कैन एक्ट एज एन एसिड और विच कैन एक्ट एज ए बेस। तो इसका सॉल्यूशन जो होता है, बेरिलियम ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन, अगर हम इसको वाटर में डालेंगे, इसका सॉल्यूशन जो होता है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। वो बेसिक नेचर भी दिखाता है और एसिडिक नेचर भी दिखाता है। एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम, ऑल द अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स देयर ऑक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं हम। अगर हम इनकी ऑकरेंस की बात करें, तो जैसे आप लोगों को ऑलरेडी हमने बताया है कि मेटल्स बीइंग रिएक्टिव, दे आर फाउंड इन द अर्थस क्रस्ट इन द कंबाइनड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ देयर ओर्स, ठीक है। जैसे हमने अल्कली मेटल्स के ओर्स के बारे में बात की थी, वैसे ही कुछ ओर्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की भी हम आज बात करेंगे, ठीक है। नंबर वन, सबसे पहला है बेरिलियम, ठीक है। तो बेरिलियम के दो इंपॉर्टेंट ओर्स है, नंबर वन इज बेरिल एंड नंबर सेकेंड इज फिनासाइट, ठीक। बेरिल जो होता है उसकी कंपोजिशन याद रखनी है, उसकी कंपोजिशन है, इट कंसिस्ट्स ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, बेरिलियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इन इस कॉम्बिनेशन को, इस कंपोजिशन को हम नाम देते हैं बेरिल, एंड इट इज वन ऑफ द ओर्स ऑफ बेरिलियम, फाइन। नंबर सेकेंड इज फिनासाइट। फिनासाइट की कंपोजिशन क्या है? बेरिलियम सिलिकेट, Be2SiO4। दीज टू आर द इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ बेरिलियम, जिन ओर से हम बेरिलियम को बाद में आइसोलेट या एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नंबर सेकेंड, दूसरा मेंबर जो हमारा इसमें है, दैट इज मैग्नीशियम। रिमेंबर, मैग्नीशियम के ओर्स इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के लिए पूछा जा सकता है कि इनमें से बताइए इस ओर का क्या नाम है, ये ओर किस एलिमेंट का ओर है, ठीक है। सो नंबर वन इज डोलोमाइट, वन ऑफ द चीफ ओर्स ऑफ मैग्नीशियम, डोलोमाइट। डोलोमाइट की कंपोजिशन क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, अ कॉम्बिनेशन, अ मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डोलोमाइट ओर, उसको हम नाम देते हैं डोलोमाइट ओर, ठीक है। नंबर सेकेंड, मैग्नेसाइट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ओर ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नेसाइट, दैट इज MgCO3। दिस वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ MgCO3 एंड कैल्शियम कार्बोनेट, उसका नाम था डोलोमाइट, और मैग्नेसाइट होता है खाली MgCO3, सिर्फ MgCO3 जो है उसको हम नाम देते हैं
हैं वी कॉल इट एज मैग्नेसाइट. बात समझ रहे हैं आप. नंबर सेकंड इज एप्समाइट या एप्सम साल्ट भी इसको कहते हैं. एप्समाइट. एप्समाइट की कंपोजिशन क्या है? MgSO4 7 टाइम्स वाटर. वी कैन कॉल इट एज मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट. मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का नाम क्या है एज एन ओर? इट इज कॉल्ड एज एप्समाइट. ठीक. नेक्स्ट ओर इज कार्नलाइट. ये आप लोगों ने ऑलरेडी देखा था पोटेशियम के ओर के फॉर्म में. ठीक है ना, क्योंकि इसकी कंपोजिशन क्या होती है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ KCl and MgCl2 along with 6 times water. ठीक. So it is an ore of potassium. It is an ore of magnesium as well. Question पूछा जा सकता है magnesium के कुछ ores का नाम बताइए, या simply आपको कोई formula दिया जाएगा, इनमें से आपसे पूछा जाएगा बताइए as an ore of magnesium इसको क्या कहते हैं. ठीक है. So you have dolomite, magnesite, epsomite, carnalite. Fine. ठीक है. Next हम बात करते हैं कैल्शियम के कुछ ओर्स. नंबर वन इंपॉर्टेंट ओर है लाइमस्टोन. लाइमस्टोन नाम सुना होगा, बहुत कॉमन टर्म है. लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है? CaCO3, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट का नाम भी देते हैं. ठीक है ना. सो कैल्शियम कार्बोनेट एज एन ओर इट इज कॉल्ड एज लाइमस्टोन. ठीक. इसका एक और नाम भी है, इसको हम मार्बल भी कहते हैं कभी कभी. वी कैन कॉल इट एज मार्बल. वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज चौक. ठीक. चौक की कंपोजिशन भी कैल्शियम कार्बोनेट होती है. वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज, इसको हम एक और नाम भी बोल सकते हैं, कैल्साइट. कैल्साइट. कैल्साइट की कंपोजिशन भी CaCO3 ही होती है. सो व्हाट इज द मेन ओर ऑफ कैल्शियम? इट इज लाइमस्टोन. ठीक. नंबर सेकंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ओर, दैट इज जिप्सम. जिप्सम. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? इट इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. CaSO4 2 टाइम्स वाटर. इट इज नोन एज जिप्सम. नेक्स्ट इज फ्लोरस्पार. फ्लोरस्पार क्या होता है? कैल्शियम फ्लोराइड. CaF2. कैल्शियम फ्लोराइड एज एन ओर इट इज नोन एज फ्लोरस्पार. बात समझ रहे हैं आप. तो ये तीन इंपॉर्टेंट ओर्स है कैल्शियम के. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं सिट्रॉनशियम की. सिट्रॉनशियम का एक इंपॉर्टेंट ओर है, दैट्स कॉल्ड एज सिट्रॉनशियनाइट. That is SrCO3. इसी तरीके से बैरियम की अगर हम बात करें, इसका एक इंपॉर्टेंट ओर है, दैट इज बेराइट, BaSO4. ठीक. लास्ट में हमारे पास है रेडियम. रेडियम जो है, इट्स अ रेडियो एक्टिव सबस्टेंस. रिमेंबर, इट्स अ रेडियो एक्टिव सबस्टेंस. रेडियो एक्टिव सबस्टेंस. ठीक. एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पिच ब्लेंड. पिच ब्लेंड से इसको ऑब्टेन किया जाता है. पिच ब्लेंड बेसिकली इट इज एन ओर ऑफ यूरेनियम. इट इज एन ओर ऑफ यूरेनियम. ये किसका ओर होता है? यूरेनियम का ओर होता है पिच ब्लेंड. इसी के साथ एसोसिएटेड होता है रेडियम भी. ठीक है. इट्स अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरेनियम. इसको आइसोलेट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम बाय 2 साइंटिस्ट्स. ठीक है ना, जो कि बेसिकली हस्बैंड एंड वाइफ थे. ठीक है. एक का नाम था मैरी क्यूरी. नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस नाम है, मैरी क्यूरी एंड हर हस्बैंड पेरी क्यूरी. मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी ने रेडियम को आइसोलेट किया था फ्रॉम पिच ब्लेंड, विच इज एक्चुअली एन ओर ऑफ यूरेनियम. इसी के साथ कुछ अमाउंट ऑफ रेडियम भी एसोसिएटेड होता है. ठीक है ना. बेरियम, रेडियम, सिट्रॉनशियम, ये बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं नेचर में, इसीलिए इनके उतने सारे ओर्स हमने यहां पे नहीं दिखाए. ठीक. इसके बरक्स मैग्नीशियम और कैल्शियम की अगर बात करें, दे आर वेरी मच एबंडेंट इन द अर्थस क्रस्ट. ठीक. तो इसीलिए वो बहुत सारे ओर्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है नेचर के अंदर. ठीक है. तो सबसे पहले हमने बात की इंट्रोडक्शन टू द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. नंबर सेकंड वी डिस्कस अबाउट द ऑकरेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ सर्टन ओर्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. लेट्स मूव टू सम अदर थिंग्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है ना. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो अगर हम बेरिलियम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर है 4. अगर एटॉमिक नंबर 4 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2. एंड यू नो 1s2 के बजाय मैं क्या लिख सकता हूं? हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम नोबल गैस कोर, देन 2s2. इसी तरीके से मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, हीलियम के बाद नेक्स्ट नोबल गैस है नियॉन. इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 प्लस 2 हो गए 12, 3s2. कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, ही नियॉन के बाद नेक्स्ट कंपाउंड जो है दैट इज एर्गॉन. इसका एटॉमिक नंबर है 18. 18 प्लस 2 इज 20, दैट इज एर्गॉन 4s2. सिट्रॉनशियम 38, क्रिप्टॉन है 36, 36 प्लस 2 38. देन यू हैव बेरियम 56, इसका है 54, जीनॉन, देन यू हैव 6s2. देन रेडियम 88, इसका है 86,
86 plus 2 is 88, radon 7s2. ठीक, ना अगर हम इनकी जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इसका 2s2, 3s2, 4s2, कैन आई से इन जनरल द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज ns2. ns2 इज द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक, नाउ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट के फॉर्म में मैंने लिखा है, आप भी इसको नोट करके लिखेंगे, वो ये कि बेरिलियम जो है इज नॉट कंसिडर्ड एज ए टिपिकल अल्कलाइन अर्थ मेटल. ठीक है, हमने अभी बताया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स किन का नाम है, ग्रुप टू एलिमेंट्स का. तो ग्रुप टू एलिमेंट्स में पहला ही मेंबर कौन है, पहला ही मेंबर बेरिलियम है. लेकिन मैं यहां पर बता रहा हूं कि बेरिलियम इज नॉट कंसिडर्ड एज ए टिपिकल अल्कलाइन अर्थ मेटल. ठीक है ना, रीजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले ही मैंने बताया था इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके ऑक्साइड्स अल्कलाइन इन नेचर होते हैं. बट बेरिलियम ऑक्साइड इज व्हाट, बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर. तो इसकी प्रॉपर्टी बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरह नहीं है. इनका नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसलिए पड़ा है क्योंकि इनके ऑक्साइड्स दे आर बेसिक और दे आर अल्कलाइन इन नेचर. बट बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है इट्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ठीक, एट द सेम टाइम यू नो बेरिलियम इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप टू एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट हर किसी ग्रुप का पहला मेंबर जिसको हेड एलिमेंट भी कहा था वो हेड एलिमेंट एनोमलस बिहेवियर शो करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. ठीक, तो बेरिलियम की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक, जो हम आगे भी देखते जाएंगे, हर किसी जगह पे आप देखेंगे कि बेरिलियम विल शो डिफरेंस इन द बिहेवियर देन दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक, सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इट इज दैट बेरिलियम इज नॉट कंसिडर्ड एज ए टिपिकल अल्कलाइन अर्थ मेटल. ठीक, सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कलाइन अर्थ मेटल. ठीक, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिट्रॉनशियम दिया गया होगा. ठीक है, तो आप यह मत सोचिएगा कि बेरिलियम इज अगेन ए ग्रुप टू एलिमेंट, तो दैट मीन्स आपके हिसाब से क्वेश्चन गलत है. लेकिन नहीं, क्वेश्चन ठीक है क्योंकि बेरिलियम इसका आंसर है. बेरिलियम इज नॉट ए टिपिकल अल्कलाइन अर्थ मेटल. आई होप आप लोगों ने यह अंडरस्टैंड कर लिया. ठीक है ना, लेट्स मूव टू सम अदर थिंग्स, अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने अल्कली मेटल्स में देखा था यही सारी चीजें, अब यहां पे भी हम वैसे ही डिस्कस करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज. एटॉमिक साइज, अगर एटॉमिक साइज की बात करें, शाबाश, नंबर वन, सबसे पहली चीज जो आप याद रखेंगे वो ये कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का इन जनरल साइज बड़ा होता है. ठीक है, दे हैव लार्जर एटॉमिक साइजेस. ठीक, मगर अगर हम इनका कंपैरिजन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल के साथ करें, जैसे लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम, रुबिडियम के बाद आता है स्ट्रॉनशियम, सीजियम के बाद आता है बेरियम. ठीक है ना, अगर हम इनकी बात करें, इन जनरल इन ग्रुप टू एलिमेंट्स का साइज लार्जर होता है, फाइन. ठीक है, मगर अगर मैं बेरिलियम का साइज लिथियम के मुकाबले में कंपेयर करूं, आप लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा है लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डालता है. उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा, यानी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज जो होगा वो कम होगा. ठीक है, सो अगर हम जनरल में बात करें, सो वी विल से पॉइंट हम लिखेंगे इन जनरल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव लार्ज एटॉमिक साइज बट स्मॉलर साइज देन their corresponding smaller size than their corresponding alkali metals smaller size than their corresponding alkali metals. ठीक, reason क्या है reason is simple, Z effective इनका ज्यादा होता है किन से, अल्कली मेटल से. ठीक, तो मैग्नीशियम का ओवरऑल साइज बड़ा है लेकिन सोडियम के मुकाबले में छोटा है, कैल्शियम का ओवरऑल साइज बड़ा है पोटेशियम के मुकाबले में छोटा है. सो
अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का साइज इन जनरल बाई साइज के एटम्स होते हैं, बट इन कंपैरिजन टू दियर कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स दे आर स्मॉलर इन साइज, रीजन बीइंग इनके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है. ठीक है, नंबर सेकंड. दूसरी चीज अगर हम बताएं, नंबर सेकंड, What will happen to the atomic size down the group? शाबाश, down the group जाने पे number of shells बढ़ती हैं, number of shells बढ़ने से atomic size जो है वो भी बढ़ जाएगा. ठीक है, so I'll say the next point is down the group atomic size increases. Down the group atomic size increases. What is the reason? The reason is simple, because of increase in number of shells. Because number of shells increases, number of shells बढ़ेंगे तो size भी definitely बढ़ेगा. ठीक है, तो size का order क्या होगा? Beryllium का size छोटा होगा, इससे बड़ा होगा magnesium, उससे बड़ा होगा calcium, उससे बड़ा होगा strontium, उससे बड़ा होगा barium. Radium की हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, because radium is unstable, it's a radioactive substance. बात clear हो रही है? ठीक है ना. So sizes की बात हमने की, बड़ा size होता है लेकिन alkali metals के मुकाबले में छोटा. डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स. वेरी नाइस. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जीज की अगर हम बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? साइजेस पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस पे. सिंस वी नो दे आर मेटेलिक इन नेचर और मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन जल्दी से देते हैं. ठीक है ना, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन जल्दी से देने की टेंडेंसी रखते हैं. दैट मीन्स इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ओवरऑल में अगर देखें तो क्या होगी? कम. ठीक है ना, सो बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जी दे ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना, दैट्स वी कॉल देम एज मेटल्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. ठीक, तो पहला पॉइंट क्या होगा? इन जनरल, अगर हम इन जनरल की बात करें, इन जनरल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जीज. ठीक है ना, क्यों होगी लो आयनाइजेशन एनर्जी? बिकॉज ऑफ लार्ज साइजेस, क्योंकि इन जनरल इनका साइज क्या होता है? लार्ज साइज होगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इजी होगा, कम एनर्जी लगेगी. ठीक है, अगर इनका कंपैरिजन करें अल्कली मेटल्स के साथ, बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी को मैं कंपेयर करूं किसके साथ? लिथियम के साथ. ठीक है ना, अभी हमने बताया लिथियम टू बेरिलियम जब हम जाते हैं, साइज छोटा होता है, साइज छोटा होने के साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ज्यादा होती है. अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकालना अल्कली मेटल्स के मुकाबले में क्या होगा? मुश्किल होगा. ठीक है ना, सो नंबर सेकंड इन कंपैरिजन जनरल में क्या है? लो आयनाइजेशन एनर्जीज, मगर इन कंपैरिजन टू अल्कली मेटल्स दियर IE1 यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर. ठीक है ना, इनकी IE1 क्या होती है? ज्यादा होती है. किन से? IE1 ऑफ अल्कली मेटल्स. रीजन, बिकॉज ऑफ ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देन अल्कली मेटल्स. ठीक है ना, दैट मीन्स आई कैन राइट इट लाइक दिस, IE1 किनका? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ज्यादा होता है. किससे? IE1 ऑफ अल्कली मेटल्स. ठीक है, IE1 ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज ग्रेटर देन IE1 ऑफ अल्कली मेटल्स. ठीक, नंबर सेकेंड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज IE2 of alkaline earth metals. IE2 of alkaline earth metals is less than IE2 of alkali metals. क्या मतलब? IE1 ज्यादा होता है अल्कली मेटल से, लेकिन IE2 अल्कली मेटल्स के मुकाबले में कम होता है. मैं दो एग्जाम्पल्स लूंगा, अल्कली मेटल्स में से सोडियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से मैग्नीशियम. ठीक, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11. इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसकी कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 2s1, और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12. इसकी कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 2s2. ठीक है, अगर मुझे पहला इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, आई हैव टू सप्लाई एनर्जी IE1। जब मैंने पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो ये सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 11, एक बाहर चला गया, सॉरी दिस इज 3s1 एंड 3s2, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया यानी एस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रही, नियॉन यानी नोबल गैस कोर। इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी, नियॉन 3s1, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसकी और इसकी, अभी हमने कंपैरिजन किया, मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सोडियम, मतलब अगर इसमें 100 जूल्स लगेंगे इसमें 120 जूल्स लगेंगे। रीजन क्या है, मैग्नीशियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सोडियम के मुकाबले में ज्यादा होगा क्योंकि इसका साइज भी छोटा है, ठीक है, क्लियर। अब अगर मुझे इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, आई हैव टू सप्लाई IE2, ठीक है। और अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है उसको मुझे कहां से निकालना है, स्टेबल नोबल गैस कोर से। दैट मींस वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है, यू हैव टू सप्लाई अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट मींस IE2 का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, ठीक। मगर वही इलेक्ट्रॉन अगर मुझे मैग्नीशियम पॉजिटिव से निकालना है, मैग्नीशियम पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन कौन सा निकालना है, ये S1 वाला, अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ये किसकी तरह बन जाएगा, नियॉन की तरह स्टेबल बन जाएगा, तो इसको ज्यादा टेंडेंसी होगी दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इससे बाहर निकलना चाहिए। दैट मींस इससे जब मैंने IE2 यूज किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Mg2 पॉजिटिव में, ये कन्वर्ट हो जाता है Na2 पॉजिटिव में, लेकिन IE2 का वैल्यू बहुत ही ज्यादा हाई होगा बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव फ्रॉम ए वेरी स्टेबल नोबल गैस कोर एंड हियर द इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव फ्रॉम 3s1 एंड इन एडिशन टू दिस इट विल हैव अ टेंडेंसी टू लूज दिस इलेक्ट्रॉन सो दैट इट विल बिकम like that of the nearest noble gas, ठीक। तो दो points हमें बताए, IE1 of alkaline earth metals is greater than IE1 of alkali metals, number second, IE2 of alkaline earth metals is very less than IE2 of alkali metals। बात समझ में आ गई, ठीक है ना, ये बात clear हो गया, I hope you are able to understand the things, ठीक। तो हमने क्या क्या discuss किया, हमने अभी बताया कि in general अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है मगर अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, डाउन द ग्रुप व्हाट विल हैपन टू द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डाउन द ग्रुप, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू डिक्रीज बिकॉज डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ जाएगा, ठीक। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होता जाएगा, ठीक। सो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है, इट विल डिक्रीज। व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है, साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इजी एंड इजी, फाइन, ठीक है। सो दिस वॉज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच वी हैड टू डिस्कस, दैट वॉज द आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक, फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज their ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, यानी ये किस तरह की चार्ज शो करते हैं अपने कंपाउंड्स में, ठीक ना। अगर अभी आपको याद होगा इन जनरल इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2, तो ये हमेशा क्या चाहेंगे, इसके अंदर से ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकलने चाहिए। अगर मैग्नीशियम की मैं बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर था 12, ठीक है, इट विल ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड इनटू Mg2+, बिकॉज इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, नियॉन 3s2, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नियॉन कोर के बराबर। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो गई, इट विल ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू गेट रिड ऑफ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, ये दो इलेक्ट्रॉन जब बाहर चले गए तो ये हमेशा Mg2 पॉजिटिव में रहेगा। इसलिए आप हमेशा देखते हो कि मैग्नीशियम जिस किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट होता है वहां पे इसकी चार्ज हमेशा Mg2+ होती है, क्योंकि ये हमेशा इन दो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के ताक में होगा, सो दैट ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, इनटू अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। सो इन जनरल वी कैन से अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है दे शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू +2 इन दियर कंपाउंड्स, यानी मेटल हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, M2 पॉजिटिव में। बेरिलियम बनाएगा Be2 पॉजिटिव में, मैग्नीशियम बनाएगा Mg2 पॉजिटिव में, कैल्शियम होगा Ca2+, बेरियम होगा Ba2+, स्ट्रॉन्शियम होगा Sr2+, ठीक। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, 2
टू प्लस रहेगी इन दियर कंपाउंड्स. ठीक, व्हाट अबाउट अल्कली मेटल्स, इट वाज एम प्लस, क्योंकि उसके पास उनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ करता था जिसको बाहर निकालने पे वो बन जाते थे स्टेबल नोबल गैस की तरह. ठीक है, फाइन. ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटालिक कैरेक्टर. ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है, अभी हमने बताया कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ओवरऑल क्या होती है, कम. अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो इनसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होगा. इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का मतलब दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव या दे आर मेटालिक इन नेचर. ठीक है, सो नंबर वन फर्स्ट पॉइंट, दे आर टिपिकल मेटल्स. ये क्या होते हैं? टिपिकल मेटल्स होते हैं. ठीक, और वी कैन से हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव. व्हाट इज द रीजन? शाबाश, व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. इनकी क्या होती है? कम. बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जी दे आर टिपिकल मेटल्स, दे आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव. ठीक, बट इनके मेटालिक कैरेक्टर को अगर अल्कली मेटल्स के साथ कंपेयर करें, वी नो अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी, अभी हमने बताया अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के मुकाबले में कम होती है, तो वो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी अल्कली मेटल्स ज्यादा अच्छे मेटल्स होंगे. ठीक है ना, ये भी मेटल्स ही होते हैं मगर अल्कली मेटल्स के मुकाबले में उतने अच्छे मेटल्स नहीं होते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे डियर मेटालिक कैरेक्टर इज लेस देन अल्कली मेटल्स. मेटालिक कैरेक्टर इज लेस देन अल्कली मेटल्स या दे आर लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन अल्कली मेटल्स बिकॉज ऑफ दियर रिलेटिवली हायर आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लिखें मेटालिक कैरेक्टर के बाद मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ. शाबाश, आप लोगों को याद होगा मेटालिक बॉन्ड हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी मॉडल हमने पढ़ा था, और हमने बताया था मेटालिक बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कर्नल्स एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, कर्नल्स पे जितनी चार्ज ज्यादा होगी, जितना साइज कम होगा, उतना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा. ठीक, तो अगर हम अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें, अल्कली मेटल्स के कर्नल्स की चार्ज क्या होगी? पॉजिटिव. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कर्नल्स की चार्ज क्या होगी? टू पॉजिटिव. ज्यादा चार्ज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के पास है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा. इनके कैटायंस का साइज बड़ा होगा, इनके कैटायंस का साइज छोटा होगा. स्मॉलर द साइज, मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, स्ट्रॉन्गर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कर्नल्स एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रॉन्गर विल बी द मेटालिक बॉन्ड. सो वी कैन से मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर देन किनसे? मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर देन अल्कली मेटल्स. ठीक है, मोर देन अल्कली मेटल्स. ठीक, इनके अल्कली मेटल्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं. ठीक, अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था अल्कली मेटल्स दे आर सॉफ्ट मेटल्स बिकॉज उनका मेटालिक बॉन्ड वीक होता है, तो अगर हम उनका कंपेरिजन इन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ करें, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के पास स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होता है, तो क्या वो सॉफ्ट होंगे कि हार्ड होंगे? दे विल बी हार्डर देन दैट ऑफ अल्कली मेटल्स. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट्स की हमने बात की थी, उनमें वीक मेटालिक बॉन्ड था तो लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते थे, इनका मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली क्या होगा? ज्यादा होगा. आपने देखा है कि हमने पढ़ा है कि सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं, लेकिन आपने आपकी केमिस्ट्री लैब्स में 10th क्लास में भी या इवन 8th क्लास में भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया होगा, और आपने देखा होगा वहां पे मैग्नीशियम जो है वो बहुत हार्ड होता है, उसको हम चाकू से नहीं काट पाते हैं. ठीक है ना, वो हार्ड होता है एज कंपेयर टू सोडियम, देखा होगा आप लोगों ने, आई होप. ठीक है ना, सो इनका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट विल हैपन टू देयर मेटालिक कैरेक्टर व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ जाएगा, यानी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा. फाइन, ठीक. तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा दैट इज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस.
इट इंक्रीजेस और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. ठीक, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. ठीक, एंड व्हाट विल हैपन टू द मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ? वो ऑब्वियसली इसके अपोजिट है. मेटालिक कैरेक्टर और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर. डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी. क्यों कम होगी? क्योंकि डाउन द ग्रुप कर्नल्स का साइज बढ़ेगा. कर्नल्स का साइज बढ़ा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हुए, यानी मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. ठीक है, तो इन चीजों को कंफ्यूज नहीं करना है. मेटालिक कैरेक्टर एंड मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ठीक है, दे विल एक्ट लाइक ऑल अदर मेटल्स. जैसे मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सेम इज द केस विद देम. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर मैलिएबल, दे आर डक्टाइल, दे आर सोनोरस. ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, वो सारी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी शो करते हैं. ठीक है, सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस या मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. मतलब सबसे अच्छा मेटल इनमें से कौन होगा? बेरियम सबसे अच्छा मेटल होगा. सबसे पोअर मेटल कौन होगा? बेरिलियम. तो बेरिलियम से बेरियम की तरफ अगर हम जाएंगे, व्हाट विल हैपन? द मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, बेरिलियम विल बी द लीस्ट मेटालिक, बेरियम विल बी मोस्ट मेटालिक अमंग द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. फाइन, ठीक है, लेट्स मूव सम न्यू थिंग्स. The next topic is density. बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अल्कली मेटल्स के बारे में बात की थी, तो डेंसिटीज की अगर हम बात करें, इफ यू रिमेंबर हमने वहां पे बताया था डेंसिटी इज बेसिकली इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. ठीक है, हमने बोला था इन जनरल उनका साइज छोटा होता है. सॉरी, हमने बताया था कि इन जनरल अल्कली मेटल्स का साइज बड़ा होता है, यानी एटॉमिक वॉल्यूम्स बड़े होते हैं. एटॉमिक वॉल्यूम्स बड़े होने की वजह से उनकी डेंसिटी कम होती थी. ठीक है ना, और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते थे डेंसिटी वुड इंक्रीज बिकॉज मास डोमिनेट करता था ओवर वॉल्यूम. याद होगा आप लोगों को. ठीक, लेकिन जब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पे एक रेगुलर ट्रेंड देखने को नहीं मिलता है. ठीक है ना, बेरिलियम की डेंसिटी सबसे हाईएस्ट, मैग्नीशियम का उससे कम, कैल्शियम का उससे कम, उसके बाद सिट्रोनशियम और बेरियम की डेंसिटी बढ़ जाती है. ठीक है ना, तो रीजन सिंपली है, ऑन मूविंग फ्रॉम बेरिलियम टू कैल्शियम वॉल्यूम का इंपैक्ट ज्यादा होता है. वॉल्यूम का इंपैक्ट अगर ज्यादा हुआ तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज. लेकिन कैल्शियम के बाद सिट्रोनशियम और बेरियम की अगर बात करें, उनमें मास ज्यादा डोमिनेट करता है ओवर वॉल्यूम. तो मास इज मोर इन केस ऑफ स्ट्रॉनशियम एंड बेरियम, इट इज मोर डोमिनेंट, दैट्स व्हाई डेंसिटी इंक्रीजेस. ठीक है ना, तो सिंपली आपको याद रखना है, इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस, इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डेंसिटी increases from beryllium to calcium, then increases from strontium to barium. ठीक है, so in case of beryllium to calcium volume dominates over mass, and from strontium to barium mass dominates over volume, therefore their density is also increased. ठीक, next property is flame coloration. फिर से वही चीज, हमने ऑलरेडी बताया है फ्लेम कलरेशन का मतलब क्या होता है. जब भी हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साल्ट्स या उनको खुद स्प्रिंकल करते हैं किसके ऊपर? बंसन बर्नर के ऊपर. तो वहां पे बंसन बर्नर की फ्लेम हर किसी मेटल के वक्त अलग अलग देखी जाती है. ठीक है ना, उस कलरेशन को जो हम ऑब्टेन करते हैं ऑन स्प्रिंकलिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और दियर सॉल्ट्स ओवर द बंसन बर्नर फ्लेम, दैट इज व्हाट वी कॉल एज फ्लेम कलरेशन. ठीक है ना, तो जैसे हमने वहां पे देखा था अल्कली मेटल्स में लिथियम एक कलर देता था, सोडियम अलग कलर देता था, पोटेशियम अलग देता था, रुबीडियम अलग देता था, और रुबीडियम एंड देन सीजियम अलग कलर देता था. ठीक, सिमिलरली जब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या उनके सॉल्ट्स को बंसन बर्नर की फ्लेम के ऊपर डालते हैं, वहां पे भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक कलर्स हमें मिलते हैं. ठीक, जैसे कैल्शियम देता है ब्रिक रेड कलर, सिट्रॉनशियम देता है क्रिमजन रेड कलर, बेरियम देता है ग्रासी ग्रीन कलर. ठीक है ना, वहां पे हमने क्या बताया था? वहां पे हमने बोला था लिथियम के लिए क्रिमजन रेड, सोडियम के लिए येलो, पोटेशियम के लिए वॉयलेट, रुबीडियम के लिए रेड वॉयलेट, सीजियम के लिए ब्लू. तो वो याद रखने थे आपको. बिल्कुल वैसे ही यहां पे भी कैल्शियम कौन सा कलर देता है फ्लेम का? ब्रिक रेड. स्ट्रॉनशियम देता है क्रिमजन रेड, बेरियम देता है ग्रासी ग्रीन. ठीक है ना, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम दे डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन. इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट शो फ्लेम कलरेशन? ठीक है, कौन कौन सा है? बेरिलियम और मैग्नीशियम. ठीक,
रीजन क्या है? बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जब बंसन बर्नर की फ्लेम के ऊपर उनको रखा जाता है, इसकी हीट से जो एनर्जी निकलती है, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं, दे गेट प्रमोटेड टू हायर एनर्जी लेवल्स। व्हेन दे गेट बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट दे लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ विजिबल फोटॉन्स इन पर्टिकुलर रीजन, ठीक है ना। इनके केस में भी वैसा ही होता है, लेकिन ये फ्लेम कलरेशन शो नहीं करते हैं। रीजन क्या है? यू नो बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज बहुत छोटा है, ठीक है। अभी हमने बोला ना बेरिलियम का साइज छोटा है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा। बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज छोटा होने की वजह से इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी टाइटली हेल्ड विद द न्यूक्लियस, ठीक ना। जब आप बंसन बर्नर के ऊपर इसको डालते हो, बंसन बर्नर की फ्लेम में उतनी एनर्जी नहीं होती है कि जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर पाए फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट नो एक्साइटेशन टेक्स प्लेस, ठीक है ना। व्हेन नो एक्साइटेशन टेक्स प्लेस देयर विल बी नो लिबरेशन ऑफ एनी फोटोन, ठीक है ना। जब फोटोन नहीं निकला तो वो कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक। वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज छोटा होने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ टाइटली हेल्ड होते हैं। जब इनको या इनके साल्ट को बंसन बर्नर की फ्लेम के ऊपर रखा जाएगा उसमें उतनी एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। उसके पास उतनी एनर्जी नहीं होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर पाए, एक्साइटेशन नहीं होगी तो कलर की जनरेशन नहीं होगी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लेम कलरेशन फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है ना। लेट्स मूव एड टू सम अदर थिंग्स। नेक्स्ट इज हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी पता है, जब भी हम किसी भी कंपाउंड को या किसी भी आयन को वाटर में डालेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स उसके इर्द गिर्द आ जाएंगे, उसकी हाइड्रेशन होगी। नेगेटिव एंड ऑफ द डाइपोल पॉजिटिव एंड ऑफ द कैटाइन के साथ अट्रैक्शन करेगा, एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को हमने नाम दिया हाइड्रेशन एनर्जी। एंड यू नो हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? चार्ज जितनी ज्यादा होगी हाइड्रेशन उतनी ज्यादा होगी, साइज जितना छोटा होगा हाइड्रेशन उतनी ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें सबसे पहले अगर हम कंपेयर करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली मेटल्स को, यू नो अल्कली मेटल्स के कैटाइन्स एम प्लस बनाएंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कैटाइन्स एम टू प्लस बनाएंगे। जब इसको वाटर में डाला जाएगा इसकी भी हाइड्रेशन होगी, जब इसको वाटर में डाला जाएगा इसकी भी हाइड्रेशन होगी, ठीक है ना। ज्यादा हाइड्रेशन मगर किसकी होगी? एम टू पॉजिटिव की। क्यों? क्योंकि इसका चार्ज बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव हाई डेल्टा एच हाइड्रेशन देन दियर कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स देन दियर कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स, ठीक। व्हाट इज द रीजन लार्ज पॉजिटिव चार्ज एंड स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन, फाइन, ठीक है ना। लार्ज पॉजिटिव चार्ज एंड स्मॉल साइज ऑफ द कैटाइन की वजह से इनकी हाइड्रेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स के मुकाबले में ज्यादा होगी, ठीक। व्हाट विल हैपन टू द आयनाइजेशन दिस हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पे, यानी बेरिलियम टू पॉजिटिव, मैग्नीशियम टू पॉजिटिव, कैल्शियम टू पॉजिटिव, सिट्रॉनशियम टू पॉजिटिव, बेरियम टू पॉजिटिव, डाउन द ग्रुप जाने पे चार्ज तो सेम रहेगी लेकिन साइज बढ़ेगा। जिसका साइज बढ़ेगा हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, तो डाउन द ग्रुप जाने पे हाइड्रेशन एनर्जी का क्या होगा? डाउन द ग्रुप जाने पे हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। इट मींस कि सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी? बेरिलियम टू पॉजिटिव की। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है। और सबसे लीस्ट हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी? बेरियम टू पॉजिटिव की, क्योंकि इसका साइज इनमें से बड़ा है, ठीक। सो वी कैन सिंपली मेक ए पॉइंट, डाउन द ग्रुप डेल्टा एच हाइड्रेशन डिक्रीजेस बिकॉज साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीजेस, ठीक है। एंड नंबर सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की हाइड्रेशन एनर्जी इट इज 4 to 5 times greater
देन 4 to 5 times ग्रेटर देन अल्कली मेटल्स. ठीक, अल्कली मेटल्स के मुकाबले में 4 से 5 गुना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होती है. ठीक है ना, इतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से जब भी ये कंपाउंड्स बनाते हैं ये हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को रिटेन करते हैं. ठीक है, तो एक और पॉइंट आप याद रखेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. हाइड्रेटेड सॉल्ट्स ये क्या बनाते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बनाते हैं. क्यों? क्योंकि इनकी हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है. जब ये कंपाउंड बनाते हैं तो उस कंपाउंड के साथ भी ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को सॉलिड फॉर्म में भी उन वाटर मॉलिक्यूल्स को एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिटेन करते हैं, इतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी इनकी होती है. ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम बेरिलियम की बात करें, लेट्स से बेरिलियम हैलाइड्स में बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, then you have calcium chloride, strontium chloride and barium chloride. Barium chloride, ठीक, ये जब भी बनते हैं इनके साथ water of hydration या water of crystallization associated होता है. जैसे beryllium chloride बनाता है 4 times water, इसके साथ होते हैं 6 times water, इसके साथ होते हैं 6 times water, इसके साथ होता है 6 times water और इसके साथ होता है 2 times water. ठीक, 2 times water. ठीक है ना. Now you can see, एक और चीज हम बोल सकते हैं, लास्ट लेक्चर में अल्कली मेटल्स में जब हमने हाइड्रेशन की बात की थी वहां पे हमने देखा था कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स इनके साथ कैसे एसोसिएटेड होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. इफ यू रिमेंबर, अगर मैं बेरिलियम की बात करूं, यहां पे बेरिलियम की चार्ज क्या है, बेरिलियम 2+, तो बेरिलियम 2+ की कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद होगी, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन थी 2s2, बेरिलियम 2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2s0. साथ में चूंकि सेकेंड शेल वैलेंस शेल है, 2p के अंदर भी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. ठीक, तो इसके पास ये 2 और ये 3 ऑर्बिटल्स अवेलेबल है. इस ऑर्बिटल के साथ वाटर अपना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, वाटर एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, वाटर एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, वाटर एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ एसोसिएटेड होंगे. ठीक है ना, तो दैट मींस आई कैन राइट दिस सेम कंपाउंड, ये असल में ऐसे होगा, बीई के साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड है. ठीक है ना, और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव, इसके बाहर क्या होंगे, 2 Cl प्रेजेंट होंगे, 2 Cl प्रेजेंट होंगे. सो BeCl2 4 times वाटर लिखें या BeH2O4 बाहर Cl2, इस तरीके से भी हम इसको शो कर सकते हैं. ठीक है ना, अब यहां पे मुझे ये बताना था कि इनके साथ 6 moles ऑफ वाटर क्यों है और इसके साथ सिर्फ 4 molecules ऑफ वाटर क्यों है, हालांकि बेरिलियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है. ठीक है ना, रीजन ये है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के थ्रू लगे होते हैं और चूंकि बेरिलियम के पास सिर्फ 4 ही ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, तो ये सिर्फ 4 ही वाटर मॉलिक्यूल्स को टेकअप कर सकता है. हालांकि इसके पास हायर हाइड्रेशन एनर्जी है, तब भी इसके पास 6 वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है. ठीक है ना, बाकी सारों के पास 6 है. बेरियम के पास 2 ही वाटर मॉलिक्यूल्स क्यों है, रीजन यह है कि बेरियम का हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम है, तो इसका वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ उतनी ज्यादा एफिनिटी नहीं होगी, हालांकि इसके पास बहुत सारे ऑर्बिटल्स अवेलेबल है. जैसे मैं मैग्नीशियम की अगर बात करूं, मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी ना Mg2+ की, 3s0, 3p0, 3d0. ठीक है, तो यहां से 1, यहां से 3 हो गए 4 और इसमें से 2 हो गए 6. वैसे ही बेरियम के पास भी होंगे 6 होंगे अवेलेबल, इनफैक्ट 6 से ज्यादा होंगे, फिर भी ये 2 ही वाटर मॉलिक्यूल्स क्यों टेकअप करता है, क्योंकि बेरियम 2+ की हाइड्रेशन एनर्जी कम है, इसकी वाटर के साथ उतनी ज्यादा एफिनिटी नहीं है. दिस जस्टिफाइज, इनकी हाइड्रेशन एनर्जी काफी स्ट्रांग होती है, इवन सॉलिड फॉर्म में भी ये एज वाटर मॉलिक्यूल्स को एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिटेन कर पाते हैं. ठीक है ना, आई होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया, और ये चीज आप यहां पे फिलहाल जहन में रख लीजिए कि हाइड्रेटेड फॉर्म में बेरिलियम क्लोराइड इस फॉर्म में एक्चुअली प्रेजेंट होता है. ठीक है ना, इसको हमें आगे भी यूज करना पड़ेगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करेंगे, नेचर ऑफ कंपाउंड्स. ठीक, नेचर ऑफ कंपाउंड्स, अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है दे आर मेटालिक इन नेचर, और मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं. दे हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म कैटाइन्स. जो भी कैटाइन बनाएगा वो ऑब्वियसली किस तरह के बॉन्ड्स बनाएगा, कोवेलेंट के आयोनिक, यस आयोनिक कंपाउंड्स बनाएगा. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट नेचर ऑफ कंपाउंड्स में हम लिखेंगे,
alkaline earth metals form mostly, yeah, we can say they form predominantly predominantly ionic compounds. They form predominantly ionic compounds. ठीक, तो अगर हम alkaline earth metals के compounds को देखेंगे, they will be always ionic in nature because इनकी ionization energy कम होती है, they have a higher tendency to form cations. ठीक, number second thing, दूसरी चीज, what will happen to the nature of the compounds, ionic nature का क्या होगा down the group जाने पे ionization energy decrease होगी, cation बनाने की tendency बढ़ जाएगी. तो down the group अगर हम बात करें, उनके ionic compounds और उनके compounds ज्यादा ionic होंगे as compared to ऊपर वाले elements के these compounds. ठीक है ना, तो number second thing is that down the group tendency to form ionic compounds down the group, tendency to form ionic compounds increases. ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, इनके कंपाउंड्स और अल्कली मेटल्स के कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, अल्कली मेटल्स जल्दी से क्या बनाते हैं, M पॉजिटिव. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को क्या बनाना है, M2 पॉजिटिव. ठीक है, M2 पॉजिटिव में ये कंपाउंड बनाएंगे, ये M पॉजिटिव में कंपाउंड बनाएंगे. आप लोगों ने पढ़ा है फेजान्स रूल्स क्या कहता है. फेजान्स रूल्स कहते हैं कि जितना कैटाइन की चार्ज ज्यादा होगी, साइज छोटा होगा, उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होता है. जितना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, उतना उसके बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है. ठीक है ना, तो अगर मैं इन दो के पोलराइजिंग पावर्स को कंपेयर करूं, इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो इसके कंपाउंड्स जो होंगे उनमें ऑब्वियसली आयनिक कैरेक्टर होगा, मगर उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी प्रेडोमिनेंट होगा. इनके अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़ा सा होगा, लेकिन बहुत कम होगा एज कंपेयर टू M2 पॉजिटिव. समझ रहे हैं आप बात. जो भी कोई आयनिक बॉन्ड होता है वो 100% आयनिक नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है. वो कोवेलेंट कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटाइन पे, पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन पे. जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है. इन अदर वर्ड्स, क्या मैं कह सकता हूं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर अल्कली मेटल्स के मुकाबले में ज्यादा होगा. ठीक, या इन अदर वर्ड्स, अगर इनके कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इनके कंपाउंड्स में आयोनिक कैरेक्टर कम होगा एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स. यस, ठीक है ना. सो नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस आयोनिक देन अल्कली मेटल्स. ठीक, व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है, मोर पोलराइजिंग पावर ऑफ M2 पॉजिटिव आयन, कैटाइन्स का, अल्कलाइन अर्थ मेटल कैटाइन्स का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है. फाइन, ठीक है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम याद रखेंगे, वो ये बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड्स. बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं इन एडिशन टू आयोनिक कंपाउंड्स. ठीक है ना, व्हाट इज द रीजन, इज द सेम, बेरिलियम 2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव, इनके आयन्स का साइज छोटा है ना, स्मॉल साइज मींस हाई पोलराइजिंग पावर. जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और इनके कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर 50% से ज्यादा होता है, यानी उनको कोवेलेंट ही कंसिडर किया जाता है. समझ में आ रही है बात, ठीक है ना. एक्सेप्ट कुछ आप एग्जांपल्स आप याद रखेंगे, बेरिलियम ऑक्साइड है, बेरिलियम फ्लोराइड है एंड बेरिलियम कार्बाइड है, बीई टू सी
बेरिलियम कार्बाइड, ठीक है। ये बेरिलियम कार्बाइड जो है, बेरिलियम फ्लोराइड जो है, बेरिलियम ऑक्साइड जो है, ये कंपाउंड्स आयोनिक होते हैं, दे आर आयोनिक इन नेचर। रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम जो भी आप देखेंगे वो क्या होंगे, दे विल बी कोवेलेंट, ठीक। इसी तरीके से मैग्नीशियम का कंपाउंड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, ठीक। सिमिलरली यू हैव मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C, दे आर आयोनिक इन नेचर, दे आर आयोनिक इन नेचर, एंड बीइंग आयोनिक इन नेचर बाकी इसके कंपाउंड जो होते हैं दे आर प्रोडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर। बात समझ रहे हैं आप ही, कहना क्यों कोवेलेंट होते हैं, क्यों कोवेलेंट होते हैं, क्योंकि इनके आयन्स का साइज छोटा होने की वजह से इनका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, ठीक। एक लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपाउंड के हवाले से, वो ये कि बेरिलियम, बेरिलियम कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन एनहाइड्रस, और कोवेलेंट इन एनहाइड्रस फॉर्म, वाइल एज आयोनिक इन हाइड्रेटेड फॉर्म, वाइल एज आयोनिक इन हाइड्रेटेड फॉर्म। बात को समझिए, हमने अभी बताया कि बेरिलियम के कंपाउंड्स क्या होते हैं, बेरिलियम के कंपाउंड्स कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, मगर एक और स्टेटमेंट हमने दिया, बेरिलियम के कंपाउंड सिर्फ एनहाइड्रस फॉर्म में कोवेलेंट होते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म में ये आयोनिक इन नेचर होते हैं, ठीक। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि कोवेलेंट क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि बेरिलियम 2 पॉजिटिव का साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से उनका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर दो कंपाउंड दे दूं, BeCl2 एंड BeCl2 फोर टाइम्स वॉटर, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू कंपाउंड्स, कंपाउंड तो दोनों एक ही है, ठीक है ना, मगर ये इसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन नहीं है, इसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन है, जिसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन नहीं होगा उसको कहते हैं एनहाइड्रस, और जिसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन है दैट इज हाइड्रेटेड, फाइन, ठीक है। अगर मैं बताऊं इसमें बॉन्ड कौन सा बना रहा है, बेरिलियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, मगर ये मैंने अभी दिखाया ना, अभी मैंने दिखाया, आई विल गो बैक टू द स्लाइड्स, दिस वन, अभी मैंने बताया बेरिलियम क्लोराइड 4 टाइम्स वाटर असल में इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर कौन सा कैटायन प्रेजेंट है, इज इट Be2 पॉजिटिव और BeH2O होल फॉर 2 पॉजिटिव, ठीक है ना, सो इट इज बेसिकली BeH2O होल फॉर 2 पॉजिटिव, ठीक। तो हाइड्रेटेड फॉर्म में बेसिकली कैटायन Be2 पॉजिटिव नहीं होता है, बल्कि ये बड़ा कैटायन होता है, ये एक हाइड्रेटेड कैटायन होता है, ठीक है ना। अब यहां पे इन दोनों को कंपेयर करें, बेरिलियम 2 पॉजिटिव का साइज छोटा है, लेकिन हाइड्रेटेड फॉर्म में ये हाइड्रेटेड आयन बनाता है, हाइड्रेटेड आयन बनाएगा तो ये बड़े साइज का आयन बनाएगा, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, साइज बड़े हो, बड़ा होने की वजह से पोलराइजिंग पावर क्या होगा, कम होगा, पोलराइजिंग पावर कम होगा तो इसका कंपाउंड जो है वो प्रेडोमिनेंटली आयोनिक इन नेचर होगा, और इसका साइज क्या है, इसका साइज छोटा है और इसका पोलराइजिंग पावर काफी ज्यादा है, इसकी वजह से इसका कंपाउंड क्या होगा, कोवेलेंट इन नेचर होगा। बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमने यहां पे कही कि हाइड्रेटेड फॉर्म में ये आयनिक होते हैं, लेकिन एनहाइड्रस फॉर्म में क्या होते हैं, कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने अच्छे से इन चीजों को अंडरस्टैंड किया। लास्ट पॉइंट पे हम जाते हैं, लास्ट हमारा पॉइंट है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या है, ये दूसरे को रिड्यूस करते हैं, कैसे रिड्यूस करेंगे, क्योंकि इनकी हमेशा टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, दूसरे को रिड्यूस करेंगे, ठीक है ना। सो नंबर वन, दे एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्यों करेंगे भाई ये काम एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, दे हैव अ हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस अदर्स, फाइन, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर अल्कली मेटल्स के साथ कंपेयर करें, तो आपको पता है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स के मुकाबले में ज्यादा होती है, तो लेस टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की देने की एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स, सो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स बट नॉट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स एज अल्कली मेटल्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दे आर वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स as compared to
weak reducing agents as compared to alkali metals. क्यों? क्योंकि अल्कली मेटल्स के मुकाबले में इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर का क्या होगा? डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर विल इंक्रीज बिकॉज डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ईज ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ईज ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज इंक्रीजेस, ठीक है। सो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर increases, down the group reducing character increases because ionization energy decreases, ठीक। So what will be the order of reducing character? Beryllium से अच्छा reducing agent होगा magnesium, magnesium से अच्छा होगा calcium, calcium से अच्छा होगा strontium, strontium से अच्छा होगा barium, ठीक है ना, बैरियम होगा। इसके रिलेटेड अल्कली मेटल्स का आपको याद होगा, वहां पे भी हमने बोला था डाउन द ग्रुप ये बढ़ जाएगा रिड्यूसिंग कैरेक्टर, मगर हमने वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज कही थी कि अगर हम हाइड्रेटेड फॉर्म में एक्वस फॉर्म में कहें तो एक्वस फॉर्म में लिथियम का रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है ना। तो बोथ इन एक्वस फॉर्म एज वेल एज इन द gaseous form, the reducing character will increase down the group. Beryllium is the poorer reducing agent. Barium is the strongest reducing agent among alkaline earth metals. So this was all about the physical properties of group 2 elements. See you in the next lecture. And in the next lecture, we'll be discussing about the chemical properties of alkaline earth metals. Thank you very much.